नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटे राय के लगातार प्रयास से भांडर नगर के लोग स्वच्छता के प्रति हुए जागरूक। आज जब नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटे राय प्रतिदिन की भांति नगर में स्वच्छता निरीक्षण के लिए निकले, जब वह पटेल चौराहे पर पहुंचे वहां पूरी तरह स्वच्छता देखी। इसके बाद धर्मशाला के पास पहुंचे, वह भी जगह पूरी तरह स्वच्छ मिली। वहां से होते हुए सीधे रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे, वहां कचरे का ढेर लगने वाली जगह पूरी तरह साफ मिली। वहीं से होते हुए जब नागर जी के मंदिर पहुंचे तो वहां भी सफाई मिली। इसके बाद जब घटिया बाजार पहुंचे तो वहां भी पूरी तरह सफाई मिली। इसके बाद जब सराफा मार्केट की तरफ बढ़े तब वहां एक महिला कचरा डाल रही थी, जिसे समझाइश दी गई, जिसके बाद महिला ने वहां कचरा डालना बंद कर दिया। सराफा बाजार से वापस होकर पुरानी सब्जी मंडी पहुंचे, जहां पूरी तरह सफाई देखी। पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए जब बल्लन साहू की दुकान के पास पहुंचे तो वहां कचरा डाला देखा। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने लोगों को समझाइश दी कि जब पूरे नगर वासियों ने नगर को स्वच्छ बनाने की ठान ली है, तब ऐसे में आप लोग कचरा क्यों डाल रहे हैं? अगर आप लोग नहीं माने तो नगर परिषद सख्ती से पेश आएगी और कचरा डालने वालों का चालान भी काटा जाएगा। समझाइश देने के बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अपनी परिषद सदस्य एवं कर्मचारियों के साथ सीधे मिडिल स्कूल के पीछे से होते हुए अकबरपुर मोहल्ले में डीपी के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग कचरा डाल रहे थे। जिसके बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने लोगों को वहां भी समझाइश दी कि भांडर पूरी तरह कचरा मुक्त होने वाला है। आप लोग से निवेदन है कि कचरा केवल कचरा गाड़ी में ही डालें। हम 15 दिन से मोटर दो खराब है, अब वो मोटर सही नहीं करवा रहे और हमको 29,52,000 का बिल जमा दिया। मैंने भाई हमें 22 दिन अभी आए हुए हैं, 29,52,000 कैसे हो गए? बिल्कुल यही बात है भाई, तुम्हारा पिछला बिल था तो हमें बताओ ना, तुमने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं कराया? एक साल का पेमेंट था तुम्हारा, अभी तक क्यों बैठे रहे? हम उसको एकदम देखा नहीं, कुछ नहीं करे, डायरेक्ट कैसे पास कर दे भाई? बड़ी रकम है, 10-20 हज़ार वाली बात है। तो क्या कारण बना उसको अभी तक रुका रहा? मैं नहीं ऐसे नहीं करूंगा, पहले फाइल की जांच होगी। ठेकेदार को है, दोनों मोटरें खराब पड़ी, 15 दिन से दो दो लेटर भी दे दिए। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, पहले पेमेंट दो तब हम सप्लाई चालू करेंगे। जी तो पब्लिक गेट पे हम थोड़ी देता रहते हैं, जिसका सफाई बात जो भी हमने की तो फिर अगर तुमने ठीक करा रहे हो तो हम करा लेंगे। बिल्कुल सही है, तो फिर हमें कर्मचारियों से फ़ोन लगा के बोलते हैं वे कि आप मोटर से हाथ मत लगाना। अरे मैंने कैसे ही लगाना, फिर हम भी पहुँच गए वहाँ। परेशान कर रहे हो तो हम भी परेशान करेंगे, ऐसा ही मानोगे तो वैसे ही मानोगे। हम पैर भी पड़ रहे हैं, सीट भी पड़ रहे हैं, फिर आप क्या दिक्कत है? गाड़ी आपको बराबर टाइम पर गाड़ी पहुंच रही होगी, गाड़ी पहुंच रही है, आदत बदल दो उसको। ये मैं